हेलो स्टूडेंट, आस विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र का तीसरा अध्याय मुद्रा और साख का भाग 7 देखेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले ही लेक्चर में हमने बैंक को देखा था और ग्रामीण क्षेत्र में हमने SSG को समझा था, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे, आज हम देखेंगे कि ग्रामीण बैंक का ही एक उदाहरण लेंगे, बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक, जो कि वहाँ के लिए, वहाँ के जो ग्रामीण लोग जो थे, गांव में रहने वाले जो लोग हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा जो होता है यह सिस्टम सफल रहा था। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का उचित ब्याज दरों पर गरीबों की ऋण जरूरतों को पूरा करने का एक बड़ा सफल इतिहास रहा है। जो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक था, जो कि 1970 में शुरू किया गया था, वो अगर हम देखते हैं तो मुख्य रूप से वहाँ के जो गरीब लोगों की जो ज़रूरत थी, जो आवश्यकता थी, उनको पूरा करने में सफल रहा। और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इतना मिनिमम था, इतना कम था कि लोग जो है वो आसानी से इससे ऋण लिए और अपने उद्देश्य में सफल हो पाए। इसकी शुरुआत 1970 में एक छोटे पैमाने से शुरू हुई थी। 1970 में एक स्मॉल स्केल पर यह शुरू हुआ था और वर्ष 2018 में ग्रामीण बैंक के अब 9 लाख सदस्य हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि जो बैंक 1970 में शुरू हो रहा है, वह 2018 में आते आते उसके सदस्य संख्या 9 लाख है, जो बांग्लादेश के 81,600 गांव में फैले हुए हैं। कितने लार्ज स्केल पर जो होता है ये बैंक उपलब्ध हैं, इससे ऋण लेने वाली ज़्यादातर महिलाएं हैं। और इसमें जो जिनको भी ऋण मिल रहा है वो कौन है, वो वुमेन हैं, वो महिलाएं हैं जिनका संबंध समाज के गरीब तबके से है, और ऐसी महिलाएं जो कि गरीब इलाकों से आती हैं, निर्धन परिवारों से आती हैं। इन कर्जदारों ने या इन महिलाओं ने ये दिखा दिया है कि न केवल गरीब महिलाएं भरोसेमंद कर्जदार हैं, बल्कि वे विभिन्न तरह की छोटी आय वाली गतिविधियों को सफलतापूर्वक शुरू करने और चला सकने में सक्षम हैं। तो जो गरीब बांग्लादेश की जो गरीब महिलाएं हैं, उन्होंने यह पूरे देश को इस बात का मैसेज दिया है कि वो एक बहुत ही भरोसेमंद कर्जदार हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी स्मॉल स्केल पे जो गतिविधियां हैं, एक्टिविटी है, जो इंडस्ट्री है, उसे भी उन्होंने सफलतापूर्वक चलाया है और उन्होंने ये प्रूफ किया है कि वो भी जो है उनमें भी एक लीडरशिप क्वालिटी है और वो भी जो है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो है पार्टिसिपेट कर सकती है, उसे चला लेने में सक्षम है। अब हम देखेंगे सारांश, क्योंकि बच्चों आपने मनी और क्रेडिट, मुद्रा और साख पूरी तरीके से समझा है, तो आपने ये बहुत अच्छे से समझा है कि किस तरीके से पहले जो है वो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, उसमें कठिनाइयाँ को होने, जब उसमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आने लगी, तो उसके बाद किस प्रकार से मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हुआ, और आज जो है हम अपने जीवन में बिना मुद्रा के अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। इसके बाद जो है हमने साख को समझने की कोशिश की कि किस प्रकार से जो है वो लोन लोगों की आवश्यकता और ज़रूरतों को पूरा करने का एक माध्यम था। इस अध्याय में हमने मुद्रा के आधुनिक रूप और बैंकिंग प्रणाली से इसके संबंधों को देखा। एक तरफ जमाकर्ता अपना धन बैंक में रखते हैं और दूसरी तरफ कर्जदार बैंकों से ऋण लेते हैं, और इसी बात पे ही बैंक जो होता है वो इसी चीज़ पे काम करता है और अपना प्रॉफिट कमाता है। लोग जो है वो अपनी सेविंग्स का कुछ पार्ट बैंक पे जमा करते हैं और बैंक जो है वो उन पर इंटरेस्ट देता है। इसके साथ साथ वो जो कर्जदाता होते हैं, जिनको कर्ज की आवश्यकता होती है अपनी आर्थिक गतिविधियों के लिए, उनको वो कर्ज भी देता है, उनको वो लोन देता है और उनसे इंटरेस्ट, हाई इंटरेस्ट रेट जो होता है वो लेता है। और जितना वो इंटरेस्ट देता है और जितना वो इंटरेस्ट लेता है, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, उसी में बैंक जो होता है अपना प्रॉफिट कमाता है। आर्थिक गतिविधियों के लिए हर व्यक्ति को ऋण की ज़रूरत होती है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, और इससे ऋण के हमने कुछ सकारात्मक प्रभाव भी देखे थे और कुछ परिस्थितियों में वह कर्जदार की स्थिति और बदतर भी हो सकती है। अगर आपको याद है तो मैंने सलीम और स्वप्ना दोनों का उदाहरण बताया था, किस प्रकार से सलीम ने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए लोन लिया था और वो इसमें सफल रहा था, उसे अच्छा खासा इनकम हुआ था और उसकी स्थिति पहले से अच्छी हो गई थी। लेकिन दूसरी तरफ स्वप्ना, जो चूँकि उसकी फसल जो होता है वो बर्बाद हो गई थी, और
इस वजह से जो होता है वो कर्ज के जाल में फंसती चली गई थी, तो उसकी स्थिति जो है वो खराब हो गई थी। तो हमने ये भी देखा कि ऋण का कुछ सकारात्मक पक्ष भी होता है और इसके नकारात्मक पक्ष को भी हमने देखा। ऋण के स्रोत के बारे में हमने देखा कि ऋण विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होता है। जैसा कि हमने बताया, पहला था उसका फॉर्मल सोर्स और दूसरा था इनफॉर्मल सोर्स। फॉर्मल यानी कि औपचारिक स्रोत और इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक स्रोत, दोनों ही तरह के स्रोत को समझा। तो बच्चों, आप तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है। बहुत ईजी है, नहीं भी समझे हो तो एक बात ही अच्छे से याद रखिएगा, औपचारिक मतलब कि सारे जो फॉर्मल सोर्स होते हैं, जैसे कि आपके बैंक, आपके कोऑपरेटिव्स जो हो गए, जो सहकारी समितियां हो गई, ये सारे के सारे क्या होंगे, आपके औपचारिक स्रोत होंगे। अनौपचारिक स्रोत जो कि हम साहूकार, महाजन, रिश्तेदार, इन सब से जो भी लोन लेते हैं वो हमारे अनौपचारिक या इनफॉर्मल सोर्स होंगे। हमने ये देखा है कि औपचारिक और अनौपचारिक ऋणदाताओं के ऋण शर्तों में बहुत फर्क हो सकता है, क्योंकि जो औपचारिक सोर्स होते हैं वो एक लीगल प्रोसीजर के तहत चलते हैं और बैंक वगैरह जो होते हैं वो यद्यपि उसमें थोड़ी कागजी कार्यवाही अवश्य होती है, लेकिन उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत ही ठीक से लिया जाता है, मिनिमम होता है, ताकि लोग जो है उसे चुका भी सकें और अपने अभी जो कुछ प्रॉफिट कमा सकें। लेकिन जो अनौपचारिक या इनफॉर्मल सोर्स होता है, जिसमें साहूकार, महाजन वगैरह आते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो जो होता है इंटरेस्ट रेट जो होता है उनका कोई फिक्स नहीं होता, और वह मनमाने ढंग से जो है वो इसको वसूल करते हैं। तो एक तरीके से लोगों को लूटने का काम करते हैं, जिसके कारण अगर एक बार कर्जदाता इनके चंगुल में फंसता है तो वो आजीवन जो है इससे निकल पाना उसके लिए संभव नहीं हो पाता है। वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं तो जो अमीर परिवार है वो औपचारिक स्रोत से अधिक ऋण लेते हैं, जैसा कि हमने ग्राफ के थ्रू भी ये समझा था कि जो रूरल एरिया में भी या अर्बन एरिया की अगर हम बात करें तो शहरी क्षेत्र में जो अमीर परिवार है वो ज़्यादा डिपेंड होते हैं औपचारिक स्रोत पर, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो गरीब लोग हैं वो ज़्यादा ऋण लेने के लिए अभी भी जो है वो अनौपचारिक स्रोत पर उन्हें निर्भर रहना पड़ता है। और इसका मुख्य रूप से कारण भी ये होता है क्योंकि जो अनौपचारिक, जो अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर अभी भी बैंक इतने ज़्यादा डेवलप नहीं है, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर बैंक ही नहीं है। तो अगर ग्रामीण बैंक वहाँ उपलब्ध नहीं है तो फिर लोगों की आवश्यकताओं के लिए उन्हें ऋण की आवश्यकता जो है उसको कैसे पूरा किया जाए, और इसके लिए ही जो है लोग अनौपचारिक स्रोत पर ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं। यह अनिवार्य है कि औपचारिक क्षेत्र के कुल ऋणों में वृद्धि हो ताकि महंगे अनौपचारिक ऋण पर से निर्भरता कम हो। तो ये भी आवश्यक है कि औपचारिक क्षेत्र में जो लोन्स है, जो बैंक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी संख्या में वृद्धि हो, ताकि लोग जो है वो अनौपचारिक ऋण पर उनकी जो डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, वो कम से कम होती चली जाए। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बैंक और सहकारी समितियां इत्यादि से गरीब को मिलने वाले औपचारिक ऋण का हिस्सा बढ़ना चाहिए, और ये दोनों कदम विकास के लिए जरूरी है। अगर हम किसी भी देश की या अगर हम भारत के भी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि बैंक जो है और जो कोऑपरेटिव्स है, जो सहकारी समितियां हैं, वो गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस अपनी खोलें, ताकि जो गरीब और निर्धन परिवार हैं वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सके। देखिए, अगर किसी देश को अगर हम डेवलप करना है या भारत को डेवलप करना है तो बहुत ज़रूरी है कि हमें सस्ते दर पे, कम इंटरेस्ट रेट पे जो है वो लोन मिल सके, ताकि जो गरीब लोग हैं वो अपनी इस लोन के द्वारा अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। आज आप देखते हैं कि कितनी सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कि इस ऋण के कारण हमारे समाज में विद्यमान है। आप लोगों ने बच्चों सुना होगा कि बहुत सारे किसान जो है वह आत्महत्या करते हैं ऋण ना चुका पाने की, क्योंकि उनकी फसलें बर्बाद हो जाती है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, और वो इतने ज़्यादा कर्ज में डूब जाते हैं कि वो जो होता है इस तरीके का मतलब कार्य करते हैं कि वो अपने आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो अगर हम इस सिस्टम को थोड़ा सा डेवलप कर दें, और इससे क्या होगा, अगर इस सिस्टम को और अच्छे से सुचारू रूप से अगर हम इसे स्थापित करें तो शायद ये सारी समस्या जो होती है उसको बहुत हद तक अवॉइड किया जा सकता है। तो इसीलिए बैंक जो होता है वो किसी भी देश में उसके डेवलपमेंट पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं,
और इसके साथ साथ जो है वो लोगों को रोजगार भी प्रदान करते हैं, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है आज भी अगर हमारे देश में देखें, हमारी सोसाइटी में हम देखते हैं, तो वो बैंकों में काम करता है। तो इस तरीके से बैंक जो होता है वो एक समाज के डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? तो बच्चों आज हमने इस पूरे लेक्चर में एक तो हमने पूरा सारांश देखा और हमने समझने का प्रयास किया कि मनी और क्रेडिट जो है वो हमारे जीवन में कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, किस प्रकार से मुद्रा और साख किसी भी देश के लिए बहुत आवश्यक है। इसमें हमने मुद्रा के विभिन्न पहलुओं को समझा और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि साख यानी कि लोन को के बारे में देखा कि किस किस तरीक़ों से लोन जो है प्रदान किया जाता है, और लोन मतलब लोन का फ़ायदा जो होता है वो कौन लोग जो है ज़्यादा उठा रहे हैं, जो कि बैंक से डायरेक्ट लोन ले रहे हैं। तो जो अमीर परिवार के लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो ज़्यादा बैंकों से जो होता है वो लोन लेना ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो होता है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में ये मिल जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो गरीब क्षेत्रों में, जो भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर इतने ज़्यादा अभी भी बैंक डेवलप नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से लोग अभी भी साहूकारों के चंगुल में फंसे हुए हैं। तो और कुछ ये भी कारण होते हैं कि चूंकि अगर वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक है तो भी वहाँ पे जो लीगल प्रोसीजर वहाँ का इतना ज़्यादा है कि लोग जो होता है इसमें जाना नहीं चाहते। लेकिन देखिए एक बात अब लोगों को भी समझनी होगी कि भले उनको लीगल प्रोसीजर है, कागजी कार्यवाही जो है उनके साथ अवश्य है, लेकिन उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो इतना कम मिल रहा है, बजाय कि वो साहूकारों से जाकर अगर ऋण लेते हैं, तो अब उन्हें भी समझना चाहिए। क्योंकि ठीक है कि थोड़ी सी तकलीफ यहाँ पर हो सकती है बैंकों से ऋण लेने में, लेकिन भविष्य में जो तकलीफ है उससे बचा जा सकता है, क्योंकि जो साहूकार वगैरह होते हैं वो केवल लूटपाट का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने ये सारी चीज़ों को देखा और देखा कि बैंक जो है वो किसी भी देश के, किसी भी नेशन के लिए जो है डेवलपमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।